हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज हम आपको बताने वाले हैं उत्तर प्रदेश राज्य के अंबेडकर नगर जिला के बारे में। तो दोस्तों, वीडियोस को पूरा देखिएगा, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो और भी वीडियोस देखने के लिए नीचे दिए हुए रेड कलर के बटन को दबाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। और दोस्तों, अगर आप अपने जिला के बारे में जानना चाहते हैं तो भी हमें नीचे कमेंट कर जरूर बताइएगा। तो अंबेडकर नगर ज़िला, यह ज़िला भारत देश के उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित उत्तर प्रदेश के कुल 75 जिलों में से एक अंबेडकर नगर ज़िला के नाम से जाना जाता है। अंबेडकर नगर ज़िला उत्तर प्रदेश के पूर्व भाग की ओर बसा हुआ है, जिस वजह से इस ज़िले की सीमा उत्तर प्रदेश के बड़े बड़े शहरों के साथ मिलती है। अंबेडकर नगर ज़िले का हेडक्वार्टर ऑफिस अकबरपुर शहर में मौजूद है, और अंबेडकर नगर ज़िला फैजाबाद मंडल के अंतर्गत आता है। इस ज़िले की स्थापना 29 सितंबर 1995 को हुई थी। अंबेडकर नगर ज़िला के पड़ोसी ज़िले का नाम सुल्तानपुर ज़िला, फैजाबाद ज़िला, गोरखपुर ज़िला, बस्ती ज़िला, आजमगढ़ ज़िला और संत कबीर नगर ज़िला है। अंबेडकर नगर ज़िला में 5 तहसील, 2 लोकसभा, 5 विधानसभा, 5 नगर पालिका, 18 पुलिस स्टेशन, 6 सरकारी बैंक, 2 मुख्य सरकारी अस्पताल, 2 बिजली घर, 3 सरकारी कॉलेज, 4 बस स्टैंड और 1757 गांव में बटा हुआ है। क्षेत्रफल की बात करें तो उत्तर प्रदेश के अंबेडकर नगर ज़िले का कुल क्षेत्रफल 2350 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। और आबादी की बात करें तो वर्ष 2011 के जनगणना के अनुसार अंबेडकर नगर ज़िला की कुल आबादी 23,97,988 है, जिसमें कि पुरुष की कुल आबादी 12,12,310 और महिला की कुल आबादी 11,85,478 है। अंबेडकर नगर ज़िले का औसत लिंगानुपात 976 के करीब है, यानी कि अंबेडकर नगर ज़िला में 1,000 पुरुष पर 976 महिला हैं। अंबेडकर नगर ज़िला के मुख्य नदी का नाम गंगा नदी है। गंगा नदी के किनारे पर बसा यह ज़िला उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से 202 किलोमीटर, गोरखपुर शहर से 126 किलोमीटर, अंबेडकर नगर की मतलब कि जिस मंडल के अंतर्गत आता है यानी कि फैजाबाद से इसकी दूरी 72 किलोमीटर, और देश की राजधानी दिल्ली से लगभग 755 किलोमीटर की दूरी पर बसा हुआ है। अंबेडकर नगर ज़िले का वाहन पंजीकरण संख्या UP 45 है। सड़क रास्ते की बात करें तो अंबेडकर नगर ज़िला में कई ऐसे छोटे बड़े सड़क हैं जिसके माध्यम से यहाँ के लोग उत्तर प्रदेश के बड़े बड़े शहरों में जा सकते हैं। वैसे इस ज़िला के माध्यम से नेशनल हाईवे संख्या 28, नेशनल हाईवे संख्या 128, नेशनल हाईवे संख्या 233A और नेशनल हाईवे संख्या 233B, स्टेट हाईवे संख्या 30 गुजरती है, जो आगे चलकर उत्तर प्रदेश के बड़े बड़े ज़िलों के साथ जुड़ती है। यह ज़िला बस के माध्यम से भी पड़ोसी ज़िला और ज़िला के छोटे बड़े गांवों तक भी बस सेवा मुहैया प्रदान कराता है। जानकारी के लिए हम आपको बता दें कि अंबेडकर नगर ज़िला में 4 बस स्टैंड हैं, जिनके नाम अकबरपुर बस स्टैंड, टंडा बस स्टैंड, राजे सुल्तानपुर बस स्टैंड और बस्करी बस स्टैंड शामिल हैं। रेलवे स्टेशन की बात करें तो अंबेडकर नगर ज़िला के मुख्य रेलवे स्टेशन का नाम अंबेडकर नगर रेलवे स्टेशन है। इस रेलवे स्टेशन में
4 प्लेटफॉर्म व 9 पटरी शामिल है और इसका स्टेशन कोड DADN है और यह रेलवे स्टेशन वेस्टर्न रेलवे जोन के अंतर्गत आता है। शिक्षा की बात करें तो इस जिला में कई ऐसे छोटे बड़े स्कूल व कॉलेज हैं जिसके माध्यम से यहाँ के बच्चे अच्छी तरह से शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। वैसे अंबेडकर नगर जिला की साक्षरता दर 74% है, यानी कि यहाँ की आबादी के अनुसार 74% लोग पढ़े लिखे हैं, जिसमें कि पुरुष व महिला दोनों शामिल है। इस जिले के कुछ महत्वपूर्ण स्कूल व कॉलेज के नाम इस प्रकार हैं: महामाया मेडिकल कॉलेज, राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज, महामाया कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर, VJV कॉलेज, जहांगीर बाद इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, हीरा पब्लिक स्कूल, राज इंटर कॉलेज। ये जितने भी स्कूल व कॉलेज हैं ये सभी अंबेडकर नगर ज़िला में मौजूद हैं, जो कि यहाँ के बच्चों को अच्छी तरह से शिक्षा प्रदान करते हैं। अस्पताल की बात करें तो अंबेडकर नगर ज़िला में, जैसे कि हमने आपको बताया कि कुल यहाँ पर 2 मुख्य सरकारी अस्पताल है, इसके अलावा प्राइवेट भी अस्पताल हैं जिनके नाम मेहदी हॉस्पिटल, राधे कृष्णा हॉस्पिटल, शिवानी नर्सिंग होम, कनक हॉस्पिटल, राज हॉस्पिटल, नवीन हॉस्पिटल, सेन हॉस्पिटल आदि शामिल है, जो कि लोगों को स्वस्थ रहने में अपनी सेवा देते रहते हैं। पर्यटन स्थल की बात करें तो अंबेडकर नगर ज़िला खूबसूरती के खजानों से पूरी तरह से भरपूर व मशहूर है। यहाँ के पर्यटन स्थल में शुमार NTDC टंडा, गोविंद शाहीन धाम, शिव बाबा मंदिर, अंबेडकर नगर घाट, अशरफ जहांगीर समनानी और यहाँ की कौचौछा शरीफ दरगाह से नाम से लोग काफ़ी वाकिफ हैं। व्यवसाय की बात करें तो इस ज़िले का मुख्य व्यवसाय खेती है। गंगा नदी के किनारे पर बसे होने के कारण यहाँ की मिट्टी काफ़ी उपजाऊ है और यहाँ के लोग काफ़ी हद तक खेती अर्थव्यवस्था पर निर्भर रहते हैं। यहाँ की मुख्य फसलों में शुमार गन्ना, धान, गेहूँ, मक्का, बाजरा, तिलहन आदि है। अंबेडकर नगर जिला के कुछ महत्वपूर्ण हस्तियों में शुमार सईद अमीन अशरफ, जो कि उर्दू के महान कवि थे। इनके अलावा शहीद वहीद अशरफ, जो कि सूफी कवि थे। अनुमा सिन्हा, जो कि माउंट एवरेस्ट पर चढ़े। और लालजी वर्मा, जो कि उत्तर प्रदेश के एक्स मिनिस्टर रह चुके हैं। दोस्तों, अंबेडकर नगर ज़िला के बारे में आपकी क्या राय है हमें नीचे कमेंट कर जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल पर पहली बार आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दें, ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और दोस्तों, इस वीडियोस को पूरा देखने के लिए आपको दिल से धन्यवाद।